पांवटा साहिब में लोकसभा चुनाव में लगी पोलिंग पार्टियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन व अंतिम दिन शनिवार को मतदान अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर जीवन जोशी, मास्टर ट्रेनर डॉक्टर जयचंद व अन्य ट्रेनरों द्वारा उनको लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इस शिविर के दूसरे दिन लगभग 230 मतदान अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया। इससे पहले दिन 270 पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर ने चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान प्रक्रिया बताई। मतदान कर्मियों ने वोटिंग से जुड़ी विभिन्न आशंकाओं का समाधान किया। आज दूसरा दिन था प्रशिक्षण शिविर का। इलेक्शन जो हमारे लोकसभा के हो रहे हैं शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में, और आज कल पीठासीन अधिकारियों की हमारी ट्रेनिंग हुई है, और आज हमारे जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है अभी हॉल में चल रही है। थ्योरेटिकल लेक्चर्स के बाद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी उनकी, ग्राउंड में हमने उनका रिक्रूटमेंट कर रखा है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स नाहन। आज पहला चरण था ट्रेनिंग का, दूसरा जो चरण है वो होगा अपना मई के 22 मई को, और जो तीसरे चरण की ट्रेनिंग है वो 27-28। तो आज कितने लोग आए लगभग, आपका पोलिंग अधिकारी कितने आए लगभग? 234 हमारे अटेंडेंस आज हुई है, इसमें कुछ एबसेंटी भी होंगी, उनकी जो रिपोर्ट है वो तलब की जाएगी और अपना उसके ऊपर कार्यक्रम। मतदान के लिए लोगों के लिए कोई संदेश? देखिए, मतदान के लिए एक तो हमारे जगह जगह पे स्वीप के कार्यक्रम चले हुए हैं जिससे कि जागरूकता फैलाई जा रही, जैसे कि अभी ITI कॉलेज में भी हमारा अभी प्रोग्राम हुआ था, और साथ में मेरा ये खास करके जो शहरी इकाई से लोग बिलोंग करते हैं उनसे एक आग्रह रहेगा कि हमेशा देखा जाता है कि शहरी इलाकों में मतदान कम हो रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में मतदान ज़्यादा, तो कृपया करके रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने सारे और ज़्यादा से ज़्यादा आकर मतदान। जो मेडिकल के लिए एग्जेम्पशन लेने आ रहे हैं, साहब ने डायरेक्टली बोला कि आप इनके HOD से पूछिए कि ये ड्यूटी कैसे दे रहे हैं। अगर ये खड़े नहीं हो सकते आधा घंटा भी, क्योंकि कुछ कर्मचारी हमारे DC ऑफिस भी पहुंच गए थे, साहब ये बोलते हैं कि अगर आधा घंटा खड़े नहीं हो सकते तो ये 6-7 घंटे ड्यूटी कैसे कर रहे हैं 8 घंटे। तो ये मेडिकल पे गए कि नहीं, इनके HOD से पूछो, और नहीं गए तो एक्सप्लेनेशन कॉल करो। अब यार काफी लोगों को मैं जानता हूँ, उन व्यक्ति को भी मैं जानता था, मैंने बोला भाई साहब मेरे पास क्यों नहीं आए? बोले सर मैं नाम से गुजरा था, मैं किसी हिसाब से कंसल्ट करूँ। मैं कहा आप क्या कर रहे हो, मैंने आप पूरी एग्जामेशन लेनी पड़ेगी मुझे। इस करके द जेन्युइन प्रॉब्लम हम खुद हेल्प आउट करेंगे, द नॉन जेन्युइननेस में उल्टी बात भी पड़ सकती है, ठीक है जी। आजकल तो जब फोन आता है किसी का तो सीधा ही बोलना पड़ता है, सर ये ड्यूटी मैं कैंसिल नहीं कर सकता, कौन काम नहीं होता है, तो और काम करें इसके लिए फोन भी किया। इस करके क्योंकि हम लोगों को इस चीज को देखना पड़ेगा, बट ऐसे एग्जाम्पल्स 10-5% ही है। थोड़ा लाइटर मोड में था तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे इतना आप पे विश्वास है कि आज आपके मास्टर ट्रेनर्स, आपके जितने भी लोग हैं, इलेक्शन का स्टाफ है, आज आप परिचित हो जाएंगे उससे, आप लोग सब लोकल रहते हैं, दबार से भी रहते हैं, हिमाचल के आपके जो वोटिंग पैटर्न है वहाँ, जो आपका पोस्टल EDCs हैं आपकी, जो उसके लिए नीचे इंस्ट्रक्शंस के लिए बूथ लगे हुए हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी आपको, और EVM मशीन का मौका सिर्फ बटन दबाने का मिलता है हमें, इसको खोल के इसके अंदर होता क्या है और क्या होता है ये मौका तो आप ही को दिख रहा है, या फिर किसी जागरूक मतदाता को जो कि YouTube पे इसकी वीडियो देखे, मुझे नहीं लगता वो देखता होगा, देखा भी होगा बहुत कम देखते होंगे। तो इस करके सबसे पहली बात, इलेक्शन ड्यूटी इज अ प्रिविलेज, हर किसी को नहीं मिलता, पर 5 साल में एक बार आने वाला प्रिविलेज है। कृपया करके एज ए टीम हम लोग काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे इस इलेक्शन में, और कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम बड़ा स्मूथली और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में नंबर 1 रिपोर्टिंग करके सबसे पहले अपना काम उतर करेंगे। धन्यवाद जी, जय जय। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।